हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कुछ लोग वीडियोस पे भी कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे। जी मैं एकदम अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। बस थोड़ा सा तबीयत कभी कभार ऊपर नीचे हो ही जाती है इस टाइम पर, तो इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग ये ना सोचे कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन आप लोग ब्लॉग पूरा देख रहे होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं इसमें बात कर ही लेती हूँ कि मैं एकदम बढ़िया हूँ। और अभी हो रहा है लगभग मेरे ख्याल से शायद 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। तक्ष को स्कूल से लेके आ गई थी, उसको सुला दिया है, वो सो गया है। आज 2:45 बजे वो स्कूल से आया है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर हलवा सूजी का। तक्ष जी की डिमांड थी क्योंकि अभी 1 घंटे में उसको उठाना है, ज़्यादा देर नहीं सुलाना वरना रात को फिर वो सोएगा नहीं और मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए टाइम पे उठेगा नहीं। इसलिए मैं उसके सुला के अभी 1 घंटे में उठा दूँगी। जब तक वो सो रहा है मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। मेरा भी खाने का मन है और तक्ष जी का भी, क्योंकि अभी क्या है ना कि शाम का टाइम है, कुछ ना कुछ खाएँगे, कभी ब्रेड बटर या मतलब कुछ भी, जो रोटी भी रखी है वैसे तो। बट तक्ष बोल के सोया है कि मेरे को हलवा खाना है मम्मा। उसने मुझे सुबह ही बोला था मॉर्निंग में, लेकिन मैंने जानबूझ के दोपहर में नहीं बनाया था कि वो स्कूल से आएगा कि हलवा खाएगा तो रोटी नहीं खाएगा। तो मैंने कहा चलो मैं शाम को बना दूँगी तुम्हारे लिए। इसलिए तो अभी मैं बना रही हूँ हलवा। एक तरफ मैंने पानी रखा है बॉयल करने के लिए। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ सूजी का हलवा। इससे ना सूजी के हलवे में लम्स नहीं बनते हैं। तो सूजी मैं भून रही हूँ एक तरफ। मेरी ना बात करते करते भी सांस फूल रही है, अब आप ये समझ लीजिए अभी सिचुएशन ऐसी है, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग में आके बात नहीं करती हूँ। तो फिर अभी बन रहा है सूजी का हलवा। सूजी अभी देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, मैंने भून लिए। जब सूजी का कलर हल्का सा चेंज हो जाए ना, मतलब सूजी को एकदम स्लो आँच में पकाना पड़ता है आप देखिए, क्योंकि और बार बार चलाते रहना पड़ता है ताकि जले ना और अच्छे से पक जाए। और थोड़ा थोड़ा करके अब इसमें गर्म पानी, जिसमें मैंने चीनी जितना लिया था ना वो इसी में ही मेल्ट कर दिया था। और अब देखो आराम आराम से डाल के चलाइए, इससे सूजी के हलवे में लम्स नहीं बनते हैं। तो मैं ऐसे करके डाल रही हूँ, फिर धीरे धीरे करके सारा पानी मैं जितना मैंने लिया था वो मैं सब डाल दूँगी। और उसके बाद तक्ष को उठाऊंगी और अभी आपको दिखाऊंगी अपनी ड्राइंग रूम की हालत, क्योंकि हम लोग आए थे बस कपड़े उतार उतूर के, तक्ष ने सब मतलब मैंने ही पटक दिए थे सारे साइड में कि अब इनको पहले खिला पिला के सुलाऊं, उसके बाद बाकी काम होगा। क्योंकि अगर मैं काम करने लगती तो ये काम निपटता ही नहीं। ये देखिए तो हलवा मेरा बन चुका है, तक्ष अभी सोए। मैंने कहा चलो जब तक ये सब समेट दूँ। ये देखिए उसकी स्कूल की ड्रेस पड़ी है यहाँ पे, तो कल उसको याली नहीं पहननी, कल वाइट ड्रेस पहननी होती है, इसलिए ये सब धुलेंगी। तो मैं सब हटा रही हूँ ड्राइंग रूम से, इसलिए मैं स्कूल से आई थी तो मैंने यहीं खोल के सब रखवा दिया था उससे। यहीं पे अम्ब्रेला, मास्क, मतलब सब कुछ यहीं था। बस बैग मैं इसका उठा के अंदर रूम में रख दिया था, क्योंकि टिफ़िन विफिन निकालना होता है ना तो मैं चेक कर लेती हूँ कि इसने खाया है या नहीं पूरा। इसलिए शूज़ भी ये वाले नहीं पहनने, तो ये सब हटा दूँगी, ये सब धोने के लिए रखूँगी और बाकी का जो भी सामान। ये देखिए तक्ष जी भी उठ जाग गए हैं और आ गए बाहर उठ के। उसको मैंने बोला जाओ जाके पहले सुसु करो फिर पानी पियो, उठता है ना बच्चा बैठा रहता है ऐसी। तो ये अम्ब्रेला लेके जाती हूँ आजकल उसको लेने के लिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ रहती है सच में, तो लेके जाना पड़ता है तक्ष के मारे। वो गर्मी भी बहुत है, 2:45 बजे तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत रहती है यहाँ पे। तो अभी ये हो गया है मेरा, मैं अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो, मैं रेडी हो गया, स्कूल जाऊंगा। मेरा बेबी तो सुबह सुबह रेडी हो गया, गुड बॉय है ये, है ना? हाँ। स्कूल जा, स्कूल छोड़ने जाएंगे मेरे पापा मुझे। इनके पापा इनको छोड़ने जाएंगे और इनका बैग हो गया ये रेडी। और ये है नया बैग। हाँ। और वो भी रखी है साइड में, नेट बैग, बैग नेट में। और ये गुड बॉय है मेरा बेबी ना। चलो जाओ, बाय लाडो, बाय बाय। बैग ले लीजिए पापा, बैग ले लीजिए। हे गाइस,
सो कैसे हैं आप लोग। तो अभी मेरे घर का सारा काम हो गया है, मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। बाल खराब हो रहे थे मेरे, बस अब बाल जस्ट ऐसे ही फोल्ड कर लिए हैं। और तक्ष जी हमारे स्कूल चले गए हैं, आपने देखा ही। उसके बाद मैं लग गई छोटे मोटे कामों में, जल्दी जल्दी निपटाने में, क्योंकि ना गर्मी बहुत है। और फिर पूरे दिन आप लोग समझ सकते, जो लोग ब्लॉगर है, कि पूरे दिन कैमरे को साथ में लेके घूमना पॉसिबल नहीं होता है। जहाँ काम कर रहे हो वहाँ सेट करो। और आज मुझे बहुत छोटी छोटी तरह के काम थे, लाइट आ रही है ऊपर, ट्यूबलाइट उसका इग्नोर करना, ट्यूबलाइट चल रही है ना उसकी लाइट आ रही है, वरना कमरे में एकदम अंधेरा ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ कर्टन भी लगाया हुआ है। इसलिए क्या होता है ना, अगर मैं आज मेरे को छोटे छोटे काम करने थे, क्योंकि मेरे को अपना हॉस्पिटल का बैग भी पैक करना था, तो मैं मतलब अभी पैक किया नहीं है, लेकिन मैं उसकी तैयारी कर रही थी, मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है, वो मैं कपड़े निकाल रही थी और छोटी मोटी चीज़ें, बेबी के क्लोथ्स छोटे छोटे। तो हमारे वहाँ ना ये होता है कि पुराने कपड़े बच्चों को पहनाए जाते हैं, स्टार्टिंग में नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता है, इसलिए तो मुझे पुराने ही कपड़े रखने थे। तो तक्ष के पुराने कपड़े मैंने कुछ संभाल के रखे थे, तो वो निकाल के वॉश करना, ये सब चीज़ें की थी। तो बाहर डाला कि धूप अच्छी है, सूख जाएंगी। जब धूप लग जाती है ना तो कपड़ों से बदबू हट जाती है, वरना कपड़ों में इतनी गंदी बदबू आती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और गाइज आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब करते हैं, आपसे एक बात बोलूँ तो, और आप लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं, तो इससे दिल थोड़ा सा नहीं दुखी तो नहीं होता है, बट ठीक है, ये तो मेरा काम है, मुझे करना चाहिए। बट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए और अपना प्यार दीजिए, बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और बस ब्लॉग पूरा देखिए और बने रहिए साथ में, जो लोग पुराने लोग हैं वो ऐसे ही साथ बनाए रखिए अपना। तो अभी मैं ना, मेरे पास कुछ दिन से कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी, आप रिप्लाई नहीं करते। मैं ना कमेंट पढ़ती हूँ मैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, बहुत बार आप लोग देख रहे सिचुएशन ऐसी, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बट मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ आप लोगों के, और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज आते हैं। तो देखिए ये ना डेली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं डेली सबको रिप्लाई करूँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो आप इस बात का बुरा मत मानिएगा कि मैं नहीं करती हूँ। आप सिचुएशन समझिए थोड़ी सी, घर में बहुत काम होते हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, छोटा बच्चा है, उसको खुद तो कुछ करना, मतलब हाँ वो छोटा है इतना, आप देखिए इतना छोटा बच्चा खुद से कैसे करेगा, तो उसका स्कूल बैग सब कुछ तैयारी करके भेजना, ये सब करना। मेरी सांस फूल रही है बात करने में। और फिर अभी वो इतना नहीं है कि खुद से कुछ करे वो, कि अभी नहा ले और तैयार हो जाए, तो ये सब हमें ही करना पड़ता है, मेरे हस्बैंड और मैं मिलके करते हैं, तो इससे टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम मुझे ना नहीं मिल पाता है। और अभी देखिए लगभग शायद मेरे ख्याल से हाँ 11 बज रहे हैं, और 11 बजे जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है, जबकि सुबह 6 बजे से एकदम लग जाते हैं हम लोग। और काम भी क्या ख़त्म हुआ है, अभी काम ये ख़त्म हुआ है, लेकिन अंदर फोल्डिंग वोल्डिंग के कपड़े वपड़े जो है वो सब करना है, और फिर तक्ष को लाने का टाइम हो जाता है, फिर उनको खिलाओ ये सब चीज़ें करो। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। तो इस वजह से कई बार होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ आपका, बट मैसेज देखती हूँ। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जाके फॉलो कर लीजिएगा अगर मन हो तो। और बस मैं बात कर रही हूँ ना, जबकि मैंने एसी चलाया है, मैं मेरी सांस ऐसी थोड़ा इस टाइम पर थोड़ा होता है, बात ज़्यादा करो तो सांस फूलने लगती है, तो बस ऐसे ही हो रहा है। प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से जाती है, कभी ठीक होता है कभी एकदम, कभी तो लगता है कि एकदम मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी इतना ज़्यादा लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसे हो जाती हूँ, तो कभी तो लगता है कि एकदम ठीक है, कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत खराब होने लगती है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो बस धीरे धीरे टाइम जा रहा है, तो बस मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग मेरे हर 2 दिन में आते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है मैं सच बताऊँ तो। और ब्लॉग मेरे पास रहते हैं बट मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, कई बार कुछ दिक्कत हो जाती है इस वजह से, तो इसलिए थोड़े से डिले हो जाते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही चलेगा, लगभग एक महीना मैनेज किया, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं अकेले हूँ ना, तो शायद कोई ना कोई आ जाए हेल्प के लिए, सब थोड़ा सा साथ होगा तो मैं इजीली कर पाऊँगी। तो अभी मैं ना इस ब्लॉग का एंड करती हूँ,
जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और हाँ एक बात और, जो लोग चाहते हैं, वैसे मेरे पास एक दो इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में मेरी डाइट क्या है, मैं किस डॉक्टर को कंसल्ट कर रही हूँ, किस चीज़ों का डॉक्टर के पास जाने से पहले ध्यान देना चाहिए और क्या कंसल्टेशन के टाइम पे किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस मंथ में कौन से अल्ट्रासाउंड होते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए बाय बाय ऑल।